हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू माय न्यू एक्सरसाइज व्लॉग। आज है पुश डे और आज की जो एक्सरसाइज है काफी टाइम बाद में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सो आज चेक करेंगे स्ट्रेंथ, स्टैमिना और मैं डेडलिफ्ट में कितना परफॉर्म कर पाता हूँ, कितना वेट ले जा सकता हूँ। सिंपल है, बिकॉज फीवर के बाद बॉडी एकदम टूट जाती है, उसके बाद में नॉर्मली पुश डे के साथ ही मैं चेक कर रहा हूँ कि भैया मेरी बॉडी का क्या हिसाब है, कहाँ पे हूँ मैं। तो आप लोग ब्लॉग में एंड तक बने रहिए और प्री वर्कआउट क्या है भैया उसके बारे में बात करूँगा। सिंपल। सो हमने स्टार्ट किया था बेंच प्रेस से। वार्म अप सेट हम लोग का हो चुका है। ये है मेन सेट जो मैं अभी परफॉर्म कर रहा हूँ आपके सामने। सो आप लोग देखते रहिए। बेंच प्रेस के भी एक अलग ही फ़ायदे हैं यार, वाकई में कंपाउंड मूवमेंट है। और कोई भी कंपाउंड मूवमेंट हो आप इनिशियल अगर करेंगे ज़्यादा सही रहेगा, और बेस्ट चीज़ है कंपाउंड मोमेंट से अच्छा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग देखिए, सीखिए और परफॉर्म करिए। I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiotic, just a product of a system where you're lucky just to make a dollar. That ain't gonna stop me cause my grind's contagious. I'll do what it takes to turn passion to paychecks. And if I go down, I'ma do it on my terms. And every single problem brings a lesson that I learned. In the darkest nights, when things seem so broken, it's hard to shine, but I still try. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. So cross my heart and hope to die. Baby, I was born to fight. So guys, workout हमारा हो चुका है और ये मेरे ख्याल से एक हफ्ते बाद जिम आए हम लोग, जिसमें मेरी स्ट्रेंथ तो लगभग जा चुकी है, बिकॉज तबीयत भी ख़राब हो गई थी बीच में मेरी बहुत ज़्यादा, क्योंकि एकदम से वायरल बॉडी में लग गया था। प्रीति, तुम्हें कैसा लग रहा है? लाइक फाइव डेज हो गया आई थिंक अपन को ना, तब से अभी आए अपन जस्ट, बट थकान बहुत हो रही है एकदम से ना। तो गाइस यही है, अगर थोड़ा सा भी गैप हो जाता है ना तो बॉडी को रिकवर करने में उतना टाइम थोड़ा लग जाता है। तुम सही हो अभी? हाँ। तुम परफेक्ट हो। ये जो मशीन है मेरे को सबसे बेस्ट लगती है लोअर चेस्ट के लिए, साइड के लिए। मतलब मैंने खुद ने फील किया है, डंबल से इतना माइंड मसल कनेक्शन नहीं बनता जितना इस मशीन से बनता है। और अगर किसी की जिम में अगर ये मशीन है तो वो रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, और काफ़ी इफेक्टिव है। इवन मुझे सबसे बेस्ट लगा मेरी ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट, मेरे को ये सबसे सही मशीन लगी। इस वाले एंगल पे जो टारगेट होता है लोअर चेस्ट होता है, और इसको जब पुश करेंगे तो यहाँ से फोर्स करके हाथों को पूरा यूँ करना है, मतलब अपने शोल्डर ये जो इसको पूरा आगे की तरफ यूँ करना है। तो मैं भी करके दिखाता हूँ और आप लोग देखिए और अच्छी लगे। मतलब मेरे हिसाब से ये मशीन ना हर जिम में होनी चाहिए। जब जिम में लोग ओपन करने पर इतना खर्चा करते हैं तो आई थिंक ये थोड़ा खर्चा और करके ये मशीन ये वाली अगर आ जाए तो काम बन जाए। बहुत बहुत सही है यार। जब मैं आगे की तरफ ला रहा हूँ तो मैं फुल अपने हाथ को आगे की तरफ ले रहा हूँ। कोई भी चेस्ट एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप कुछ भी ऐसा कॉन्ट्रैक्शन वाला कुछ करते हो लाइक दिस, सो वो अच्छा ही है, बिकॉज ब्लड सर्कुलेशन और अच्छे से होता है पर्टिकुलर एक्सरसाइज में। बैक के लिए लोग ये परफॉर्म करते हैं, चेस्ट के लिए दोनों हाथों को यूं करके यूं करते हैं,
तो काफ़ी सारे ट्राई कर सकते हैं आप लोग। तो इसी मशीन में फ्लाई का ऑप्शन भी है और बेस्ट चीज़ क्या है कि डिक्लाइन पे फ्लाई लगाने का डंबल से आप परफॉर्म करोगे एक अलग कनेक्शन रहता है, बट आप इससे परफॉर्म करेंगे और मेक श्योर मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि उतना इफेक्ट आपको ना डंबल पे भी नहीं मिलेगा। वेट ऑब्वियस ही बात है, आप लोग जानते हैं आइसोलेशन उतना हैवी जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज रेपिटेशन हमारे उस पर हाई रहते हैं, तो आइसोलेशन तो नॉर्मल भी होता है। इसमें जब मैं अपने हाथ आगे की तरफ लगाऊंगा तो ये मैं फुल्ली अपने चेस्ट अपने शोल्डर से आगे की तरफ ले जाऊंगा। और कोशिश माइंड में ये रख रही मैंने ग्रेजिंग कर रही माइंड में कि चेस्ट जब आगे की तरफ लाऊंगा तो दोनों एक मतलब मीटअप हो। वैसे तो मैच पुश डे परफॉर्म कर रहा हूँ बट ऑब्वियस बात है कि 5 या 6 डेज बाद मैं वापस आया हूँ जिम में, तो एक बार डेडलिफ्ट पे स्ट्रेंथ चेक करना तो बनता है कि मतलब पहले जितना ये या तो उसमें भी थोड़ा कम हुआ है, क्या हुआ है, बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। सो एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं। इतनी देर से वर्कआउट कर रहा हूँ, अब जाके ध्यान आया कि यार पानी की बॉटल भी लेके आया था, तो बड़े ताजु बात इतनी देर से एक्सरसाइज कर रहा हूँ मेरे को बिल्कुल प्यास नहीं लगी, बट अब थोड़ा सा पी लेता हूँ। सो मैं मैं प्री वर्कआउट को इतना प्रमोट या इतना ऐसा क्यों नहीं बोलता कि प्री वर्कआउट लेके आया हूँ ये वो, यार मैं ना प्री वर्कआउट पे बिलीव ही नहीं करता और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। मतलब मेरे को करने वाले करते होंगे, अच्छी बात है, तभी बिक भी रहा है यार मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है, बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं यूज़ नहीं करता और जो लोग यूज़ करते हैं उनको भी कब करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, जब वो ऑलरेडी कैलोरी डेफिसिट में है। मानो वो अगर ऑलरेडी 1500-1600 की कैलोरी पे हैं, ऑब्वियसली बात है यार वेट के लिए इतनी जान नहीं बची, तब आप उसका यूज़ करोगे तो वो ज़्यादा बेनिफिट होगा ना। आप ऑलरेडी 2500-3000 कैलोरी ले रहे हो, सरप्लस पे आप मेंटेन पे हो, फिर आप लोगे तो मेरे को नहीं लगता उसका कोई सेंस बनता है। तो स्मार्टली पैसा खर्च करो, करो बट स्मार्टली करो, अननेसेसरी मत करो। सो फाइनली चेस्ट हमने टारगेट कर ली, चेस्ट के हमने 4 या 5 एक्सरसाइज लगे, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे शोल्डर। शोल्डर पे हम करेंगे बारबल प्रेस, बाबा बारबल प्रेस, फिर उसके बाद में शोल्डर पे हम लेंगे इस सेम मशीन से, ओह मोबाइल को ही हो गया, सेम मशीन से जो पीछे दिख रही है उस पर करेंगे और मैं दिखाऊंगा कि इस पर यार काफ़ी अच्छा इफेक्ट है, लिटरली बिलीव करिए, और तो मैं आपको बताता हूँ।
सो यही वो एक्सरसाइज है जो मैं आपको बता रहा था मशीन के ऊपर, मशीन शोल्डर प्रेस। इसके सीट की एडजस्टमेंट उस अकॉर्डिंग है कि आप एक एक रैप लगाएंगे आपको इजीली फील होगा आपके शोल्डर पे, डेल्ट्स पे, रियर डेल्ट पे, आपको एक एक रैप आपको बहुत अच्छे से फील होगा। और लिटरली बता रहा हूँ मैं, इतनी अमेजिंग इसके बेनिफिट है इस मशीन के। और मेरे को इनिशियल स्टेज में तो ना ये मशीन बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी जब मैं आया ही था, जब मैंने देखा ही था, बट धीरे धीरे मेरे को फील हुआ कि यार वाकई में बहुत सही है। इसी पे सेकंड वर्जन हम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ये भी डेल्ट्स का है, डेल्ट्स का वर्कआउट है। तो लिटरली यार अमेजिंग, मतलब मेरे को एक एक रैप ऐसा फील हो रहा था, पेन भी हो रहा था और मज़ा भी आ रहा था इसको करने में, कॉन्ट्रैक्शन इतने अच्छे से फील किया मैंने। सो मेरे को ओवरऑल ना बहुत सही मशीन लगी, इसीलिए मैं मतलब अपने प्रीवियस सेशन में मैंने अभी बोला कि यार ये होनी चाहिए जिम के अंदर लिटरली। सो यहाँ पे मैं क्लीन एंड जर्क ट्राई कर रहा हूँ आज से, मतलब मैंने स्टार्ट किया है नया क्लीन एंड जर्क, और मैं देखता हूँ कि आगे मैं कितना वेट ले जा पाऊँगा इसके अंदर। तो ये मैंने पहला किया, पहला रैप किया, मेरी सांस चढ़ गई इवन ये ना बहुत सही लगा मेरे को यार लिटरली, वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज लगी। ये मैं दूसरा परफॉर्म करने गया, इसमें मैंने ज़्यादा मैं परफॉर्म कर नहीं पाया, मुश्किल से तीन ही कर पाया था। और लिटरली मैं इतना ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, इतना बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था मैं। तो ये मैं अभी कर रहा हूँ थर्ड रैप पे आया हूँ मैं। ये भाई साहब मैंने लिया वेट, ओ जय माता जी की। फिर मैं दूसरे सेट की तरफ इसके गया, मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया, मतलब थोड़ा सा वेट इसमें बढ़ाया मैंने, और मैं परफॉर्म किया वापस से। बट इसमें भी मेरा इतना ज़्यादा नहीं हो पाया, मुश्किल से दो हो पाए, दो रैप्स कंप्लीट हो पाए, बट यार इसमें ना हालत मेरी ऐसे कस्ता हो गई थी, ख़राब हो गई थी बहुत। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं डेडलिफ्ट ट्राई करूँगा, कि मैं कितना इसमें यू नो स्ट्रेंथ मेरी कितनी है डेडलिफ्ट के अंदर आफ्टर सिक्स डेज़, और मैं कैसा परफॉर्म करता हूँ। सो बस मैं वही ट्राई कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मली मैंने वार्म अप सेट लिया था ताकि कोई यू नो इंजरी ना हो। सो इंजरी ना हो इसके लिए आप लोग भी वार्म अप सेट लें, बहुत ज़रूरी होता है, बहुत कंपलसरी होता है यार, तो अवॉइड मत करिए इन सब चीज़ों को। यहाँ पे मैं इवन मैं फुल्ली टायर्ड था, फुल्ली, फिर भी मैंने डेडलिफ्ट परफॉर्म किया। सो वर्कआउट ख़त्म, पुश आया, पुश मूवमेंट ख़त्म होने के बाद मैंने डेडलिफ्ट परफॉर्म की, बट मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस रिज़ल्ट से। और हो सकता है कि शायद ये मैंने एंड में परफॉर्म किया बिकॉज ये कंपाउंड है, मेरे को पहले परफॉर्म करना था, बट मेरी प्रायोरिटी आज पुश दी थी। ये जस्ट मैंने चेक किया था कि मेरे में स्ट्रेंथ स्टेमिना भी कितना है कितना नहीं है उन सब के लिए, बिकॉज हाँ फीवर के बाद में जब मैं बीमार था उसके बाद में अभी मैं जब जिम आया तो मैं जस्ट चेक कर रहा था कि कैसा, मतलब मेरी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है और मेरा परफॉर्मेंस कैसा है जिम में अभी जब मैं करूँगा। तो इस बेसिस पे मैंने सिर्फ अपना एक टेस्ट लिया था जो ठीक है, ओवरऑल नॉट बैड। तो अभी लास्ट हमारी है वेटेड डिप्स, ये सिग्नेचर मूवमेंट है, जब भी आप पुश डे करें, चेस्ट वर्कआउट करें, एंड में ये एक्सरसाइज ज़रूर करें, बहुत इफेक्टिव है।
मेरे में वेटेड डिप्स करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं है, बट मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कॉर्पोरेट भाइयों को जो शायद अभी तक सो रहे होंगे, राइट? तो प्लीज़ अच्छा लगेगा अगर आप लोग कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। बाकी ट्राई करते हैं कितना होता है, बिकॉज बिल्कुल जान नहीं है। अगर आपका पार्टनर नहीं होगा जिम में, तो ये बेस्ट तरीका है, इस तरीके से कर सकते हो आप। वेटेड डिप्स के मैं बेनिफिट की बात करूँ ना, और एक ये बारबेल शोल्डर प्रेस, ये दोनों चीज़ें ना आपके बेंच पे, जो बेंच प्रेस चेस्ट की होगी ना उस पर परफॉर्म करने में बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज उससे आपकी जो आप बेंच प्रेस लेंगे बहुत अच्छा वेट लिफ्ट हो पाएगा, अगर ये दो पे आपकी अच्छी कमांड हो गई है। तो वेटेड डिप्स तो कंपलसरी है, मतलब ये मानो है ही कंपलसरी, और कोई तोड़ नहीं, मतलब होगा, बट देसी लैंग्वेज में बताऊँ सबसे बेस्ट है। तो आप लोग चेस्ट का जो वर्कआउट आप पूछ रहे हो ये परफॉर्म करो, मस्त रहो यार। तो इसी के साथ आज का ये पुश डे यहीं पे एंड करता हूँ मैं, आज का ब्लॉग यहीं एंड करता हूँ। और आज के टॉपिक में हमने जो कवर किया है वो कवर किया था नॉर्मल अपना पुश डे, सेकंड मैंने स्ट्रेंथ चेक की कि 5 या 6 डेज़ बाद में अगर मैं जिम आऊँगा तो कितना लिफ्ट कर पाता हूँ डेडलिफ्ट पे, थर्ड प्री वर्कआउट कब लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए और किन किन को लेना चाहिए,